मन मुकुर सुधाई बरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या तो गाइज़ अगर आप लोग शिमला आ रहे हैं तो आपको पहुंचना है जाखू टेंपल बाय रोड। तो मैं आपको बता देता हूं, यहां से आपको छोटा शिमला जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल छोटा शिमला के बाद आपको नवबार पहुंचना है, वहां आप किसी से भी पूछ लेना। फिर नवबार के बाद आपको थोड़ा सा आगे जाके, जैसा कि आप अभी इस रास्ते में देख सकते हो, यहां पर थोड़ा सा आगे जाकर हम लेफ़्ट लेंगे ऊपर की तरफ को, जो रास्ता निकलेगा जाखू टेंपल की तरफ। तो वहाँ से हम लोग मंदिर के लिए रास्ता जाते हैं। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा नेविगेशन हेल्प कर सकूँ। दैट्स इट। तो लेट्स गो गाइस, स्टार्ट करते हैं व्लॉग। हेलो, व्हाट्स अप एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, कैसे हो भाई? सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। तो आज मेरा शिमला में लास्ट डे है और मैं आ जा रहा हूँ यहाँ के बहुत ही पुराने मंदिर में, जो कि है जाखू टेम्पल। वहाँ पर हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति है और आज हम वहाँ के दर्शन करेंगे। और थोड़ा सा मुझे लगा था शायद वहाँ पे स्नो होगी, बट स्नो नहीं है। बट फिर भी जो कुछ भी रहेगा मैं वीडियो में डालूंगा, तो लेट्स गो। और उससे पहले एक पॉइंट पे हम रुके हैं, मैं आपको वहाँ का व्यू दिखाता हूँ। तो ये एक हमारा बहुत ही पुराना, अरे स्नोफॉल शुरू हो गई थोड़ी थोड़ी सी। ये हमारा एक बहुत ही पुराना स्पॉट है, हम लोग यहाँ पर काफ़ी बार बैठे हुए हैं और हल्की हल्की सी स्नो आप लोगों को दिख रही होगी। स्नोफॉल शुरू हो गया और यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता था और उस तरफ भी स्नोफॉल हुआ है। और ये देखो स्नोफॉल शुरू हो गई। जैसे कि मैं कहता हूँ हर बार, महादेव यानी कि पापा जी हमेशा कुछ ना कुछ शुरू कर देते हैं। हमेशा जब भी मैं जो चाहता हूँ वो कर देते हैं। पहले की स्नोफॉल ज़्यादा हो, हम मंदिर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या हाल है। तो भाई ये देखो, यहाँ पे जैसे ही स्नोफॉल होती है टायर्स अपने आप स्किट होने लग जाते हैं, क्योंकि यहाँ की चढ़ाई बहुत है और यहाँ पे गाड़ी चलाना थोड़ा सा, चढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अदरवाइज आप लोग अपने टायर्स की हवा कम करोगे तो वो स्किप नहीं मारेंगे। क्या लग गई, क्या माहौल है यार। गाइज़ हम लोग यहाँ तक गाड़ी आती है और यहाँ पे अभी रोप वे भी बन गया है और यहाँ पे बहुत सारे मंकीज होते हैं, तो ऑलवेज बी अवेयर। और ये आई गेस ये रोप वे का रास्ता बन रहा है, यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। और अभी मैं इंस्टा पे लाइव आया था, मैंने वो वीडियो बनाई है, अभी स्नोफॉल हो रही थी। तो ये रहा मेन एंट्रेंस, एक और मंदिर है श्री बाबा बालकनाथ मंदिर, तो हम लोग जा रहे हैं। अरे शूट करना था, कहाँ चला गया? देखो गाइस, मैंने उसे स्पेशली बोला, वो देखो स्नोफॉल, मतलब स्नो ऑलरेडी। तो ये पुराना रास्ता है, यहाँ आप
मॉल रोड रिज से वॉक इन आ सकते हो। रोप वे का भी रास्ता बन गया है, बट वो कहाँ है वो नहीं पता। इन्हें देखो, ये लोग आगे ही भाग रहे हैं। वहां से आप लोग वॉक इन आ सकते हो। तो गाइस ये था हनुमान जी का, जो हनुमान जी की 108 फीट की मूर्ति है। माहौल ठंडा हो गया था, आप लोगों ने देखा बर्फ पड़ रही है, और इसके बाद हम लोग देखो और क्या कर रहे हैं। देखो कितने मंकीज हैं यहाँ पर। यहाँ देखो ये बंदर बहुत शैतान है, बहुत लड़ते भी आपस में, और यहाँ पे प्रसाद और सब कुछ सामान लेने की जगह है। यहाँ पे भंडारा भवन है और इधर सामने, और ये है जाखू मंदिर। आप लोग जानते हो यहाँ पे इसके बियॉन्ड हम लोग फोटो नहीं खींच सकते, बट यहाँ तक खींच सकते हैं, और इसके बाद मैं फोटो नहीं दिखा सकता। बट जय हनुमान जी। हमारे पहाड़ के कुत्ते, इनके पर देख रहे हो। हेलो, हनुमान जी की पुरानी मूर्ति है। भाई तो गाइस यहाँ पे ना बहुत ठंड है, ऐसे नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल है। और ये वो टेंपल है, यहाँ पे हनुमान जी के चरण है। कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी जब उन्होंने विश्राम किया था तो यहाँ पर उन्होंने अपना कर्म रखे थे। तो आई होप जो लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं और मेरी शॉर्ट्स देखते हैं, उन लोगों ने ये रील ज़रूर देखी होगी। तो हमने यहाँ पे ये रील मैं बताना चाहूँगा, हमने यहाँ पे शूट किया और बहुत अच्छा शूट हुआ था। इसके बाद हम लोग यहाँ से, बर्फ़ इतनी हो गई थी कि हम लोगों को जल्दी जल्दी निकलना पड़ा। बस इस एरिया से आ रहे हैं, यहाँ पे कैफे अंडर ट्री है और बहुत ही प्यारा कैफे है, और यहाँ से ये दोनों तरफ से रास्ता है। इस तरफ से हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ट्रीज हैं, और थोड़ी थोड़ी सी स्नो दिख रही है यहाँ पर, और इधर कुछ एडवेंचर्स। वाह, इधर एक एडवेंचर पार्क भी बन गया है, ये तो मुझे नहीं पता था। यहाँ पे काफ़ी
बच्चे यहाँ पर काफ़ी इंजॉय कर सकते हैं, हालांकि मुझे यहाँ पर बड़े भी दिख रहे हैं बट अपने बच्चों के साथ। तो ये छोटा सा एक एडवेंचर पार्क बनाया हुआ है और ये है भूत बंगला। वाओ, इस पे लिखा भूत बंगला है बट ये तो कुछ ट्रैम्पोलिन टाइप लग रहा है। और यहाँ से वॉकिंग हम लोग जाएंगे गाड़ी के पास और फिर से स्नोफॉल शुरू। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग ख़त्म कर रहा हूँ। ये छोटा सा व्लॉग था, मैंने यहाँ जाखू टेंपल का बनाया था, तो आप ये शेयर कर सकते हैं उन लोगों के साथ जो शिमला आना चाहते हैं और शिमला के जाखू टेंपल विज़िट करें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा व्यू भी है और आप लोग यहाँ पर एक बार ही आओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो गाइज, इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करना। और ये मेरा आज शिमला का लास्ट डे है तो पता नहीं नेक्स्ट व्लॉग कहाँ बनाएंगे, बट तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।